नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का केंद्र सरकार पर आरोप, कोरोना से जंग में कंफ्यूजन पैदा कर रहा है गृह मंत्रालय। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या पहुंची 25,000 के पार, पिछले 24 घंटों में 56 मौतें, 1490 लोग हुए संक्रमित। श्रीलंका में कोरोना का कहर, लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के मामले, 4,000 नौसेना कर्मियों को किया गया क्वारंटीन। सूत्रों के हवाले से खबर, अब दिल्ली में भी खुलेंगी दुकानें, केजरीवाल सरकार ने गृह मंत्रालय का आदेश दिल्ली में लागू करने का किया फैसला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, दुनिया का चीन से मोह भंग होना हमारे लिए वरदान की तरह। कोरोना के नए लक्षणों में वैज्ञानिक हैरान, उंगलियों पर दिखे अजीबो गरीब निशान। वहीं चीन ने कोरोना की तीसरी वैक्सीन के लिए क्लिनिकली परीक्षण की दी मंजूरी। यूपी में फुटपाथ पर खड़े 70 कोरोना मरीज कैमरे में कैद, अस्पताल में भर्ती होने के लिए कर रहे थे इंतजार। कश्मीर में सेना ने 24 घंटे में 4 आतंकवादियों को किया ढेर, इस महीने 22 आतंकवादियों को मार गिराने की है खबर। सिंगापुर यूनिवर्सिटी का दावा, 20 मई तक भारत में खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस। लखनऊ के KGMU में प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत, कोरोना को हराने वाला डॉक्टर तौसीफ खान होगा सबसे पहला डोनर। यूपी के सीएम होगी का फैसला, यूपी में 30 जून तक भीड़ जुटाने की इजाजत नहीं। राजस्थान में नहीं मिली लॉकडाउन में छूट, छत्तीसगढ़ झारखंड में भी प्रतिबंध पहले की तरह रहेंगे जारी। यूपी में 1504 पॉजिटिव मरीज, 248 लोग हुए ठीक, 26 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 811 नए मामले, कुल मामले 7,000 के पार, अब तक 323 लोगों की हुई मौत। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,00,000 के करीब पहुंची, 24 घंटे में 1,00,000 नए केस आए। राजधानी दिल्ली में CRPF के 15 जवानों की रिपोर्ट पॉजिटिव, 3 पुलिसकर्मी भी पाए गए कोरोना संक्रमित। मुंबई महानगर पालिका का दावा, मुंबई में प्लाज्मा थेरेपी से हो रहा है कोरोना संक्रमितों का इलाज। वहीं ट्विटर पर हरियाणा के एक सुप्रसिद्ध संत लगातार ट्विटर पर हो रहे हैं ट्रेंड, लोगों का मिल रहा है समर्थन। आ चुका है मुक्तिदाता के नाम से सोशल मीडिया पर भविष्यवाणियों से संबंधित वीडियो हो रहा है वायरल, संत रामपाल जी को बताया है मुक्तिदाता। अभी तक 1,12,00,000 से ज्यादा लोगों ने देखी वीडियो और 1,00,000 से ज्यादा हो चुके हैं शेयर।